यहाँ पर एक बोर हुआ करता था, एक नल था, यहाँ पर हैंडपम्प था जिसे हटा दिया गया है। आसपास के लोगों का कहना है यहाँ पर अशुद्ध पानी आता था, साफ पानी नहीं आता था, तो इसे परमानेंट हटा ही दिया गया है। यहाँ सामने जो है दलपत सागर है, इसके सौंदर्यीकरण के लिए लगभग करोड़ों रुपए खर्च किया गया है। करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इसका सौंदर्यीकरण हुआ और यहाँ पर जो है सैकड़ों सैलानी हर रोज़ घूमने के लिए आते हैं, युवाएँ आते हैं, बूढ़े लोग भी आते हैं। यहाँ पर समस्या ये आ रही है, इतना सुंदर पार्क तो बना दिया गया है पर यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था नहीं है, प्रसादन की व्यवस्था नहीं है। महिलाएं आती हैं, बुज़ुर्ग आती हैं, बच्चियां भी आती हैं, अगर किसी को बाथरूम जाने की आवश्यकता हो जाए तो वो आगे कोने में एक शौचालय है, वहाँ दूर जाना पड़ेगा। अब इमरजेंसी में आदमी जाए तो कहाँ जाए बताइए। इस और जो है कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकान लगा रखी है, इस और भी लगा रखा है, पर यहाँ पर एक मूल समस्या आ रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है। जब करोड़ रुपए खर्च करके प्रशासन इसका जीर्णोद्धार कर सकती है तो क्या एक पेयजल की व्यवस्था नहीं कर सकती? इतना बड़ा यहाँ पर पार्क बना दिया गया है, सैकड़ों की तादाद भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हर रोज़ आते जाते रहते हैं, पर यहाँ पर एक बाथरूम की छोटी व्यवस्था नहीं की गई है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर जो है बाथरूम की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आइए लोगों की राय भी जानते हैं इस पर क्या है। कुछ सैलानी इस वक्त दलपत सागर के आइलैंड में घूमने के लिए आए हुए हैं, पार्क में घूमने के लिए आए हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम बताएंगे? सर भुवन साहू। तो साहू जी एक बात बताइए, यहाँ पर इतना शानदार जो पार्क बना दिया गया है कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है। साहू जी यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था नहीं है, ना ही महिलाओं के लिए बाथरूम जाने की व्यवस्था है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये होना चाहिए, ये मैं जैसा अंदर परोस किया ना, मैं तभी बोल रहा था कि यहाँ पर नहीं है व्यवस्था, पेयजल होना चाहिए, है ना, बाथरूम होना चाहिए, बस आसपास होना चाहिए। सर आपकी क्या राय है, जब सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पर इतना शानदार पार्क बना सकती है, जीर्णोद्धार कर सकती है, तो क्या एक नगर प्रशासन पेयजल की व्यवस्था नहीं कर सकती यहाँ पर? जरूर कर सकती है। करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए 100%। कहाँ से आए आप लोग? धर्मपुरा से हूँ मैं। आप धर्मपुरा से हैं, आप कहाँ से हैं सर? मैं चपका सोनारपाल से हूँ सर। सोनारपाल से आप कहाँ से हैं सर? चपका सोनारपाल। मतलब आसपास घर नहीं है आप लोगों का? जी। अगर बाथरूम लग जाए तो वो आखिरी में जो शौचालय है वहाँ आपको जाना पड़ेगा? हाँ हाँ, शौचालय यहाँ से काफ़ी दूर है और इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत जल्दी इस पर ध्यान देना चाहिए जो नगर प्रशासन है। कम से कम बाथरूम जाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए, टॉयलेट की व्यवस्था ना हो पर बाथरूम जाने की व्यवस्था, खासकर लेडीज लोगों के लिए तो होना ही चाहिए, क्या बोलते हैं आप? हाँ, लेडीज जेंट्स दोनों के लिए होना चाहिए और पीने का पानी तो अति आवश्यक है, बहुत जल्दी इस पर ध्यान दे के करना चाहिए। इधर कई सौ मीटर तक बोर नहीं है, इधर कई सौ मीटर तक नहीं है। अब बताइए यहाँ पर जो सैलानी आएंगे, जो बस्तर के बाहर से आते हैं, अपना वक्त बिताते हैं, काफ़ी दिन यहाँ बैठते हैं, कुछ चर्चाएं होती है, किसी विषय पर मीटिंग भी होता है, लोग अपने फैमिली के साथ आते हैं, थोड़ा वक्त बिताते हैं, बाकी जो है यह तो प्रशासन के ऊपर है किस प्रकार इस पर संज्ञान लेती है। क्या वो पब्लिक के लिए पानी की व्यवस्था करती है, नहीं करती है, बाथरूम की व्यवस्था करती नहीं करती है, यह तो देखने वाली बात है।